हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग हुनर। आज हम इस वीडियो में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के Q4 FY20 के रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जैसा कि अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आज वेडनेसडे दोपहर के रेट्स हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका रिजल्ट कल शाम को मार्केट आवर्स के बाद में आया और इसमें एक अच्छी तेजी पिछले चार दिनों से चल रही थी, लेकिन आज जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 5% से ये शेयर नीचे है। इसका क्या कारण है, क्या रहे हैं ये रिजल्ट जिसकी वजह से मार्केट नीचे है, या कुछ और कारण है, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम इसका एक साल का प्राइस परफॉर्मेंस देख लेते हैं, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके शेयर होल्डर्स ने अपने इस पोर्टफोलियो में यदि उनके है तो उनसे उनको कितना फायदा हुआ है या कितना नुकसान हुआ है। तो एक नज़र डालते हैं हम अपने एक साल के प्राइस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक साल पहले यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का जो हाई था वो 77.40 था, जबकि आज ये एक्चुअली कल शाम का रेट है 36.55 रहा। यानी कि यदि इसमें किसी इन्वेस्टर ने या शेयर होल्डर ने इन्वेस्ट किया था तो उसको लगभग 50% का लॉस हुआ है। तो काफ़ी ज़्यादा कैपिटल इरोड हुई है इस शेयर में जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया था। लेकिन अब आज की स्थिति क्या है उसको हमें देखना है, और फ्रेश इसमें पोजीशन लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए इसको हम डिस्कस करेंगे हम अपने अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स के बेसिस पर। साथ में हम देखते हैं एक टेक्निकल एनालिसिस, हम इसका टेक्निकल एनालिसिस देते हैं। छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देखेंगे ये अभी के रेट्स हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप जैसा देख रहे हैं कि ये कंपनी के दिसंबर के बाद में जो इसमें गिरावट चली आई वो कंटिन्यूस गिरावट चली आई, और उसके बाद में जून के शुरुआत में जब ये अर्निंग सीजन शुरू हुआ तो इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। और यहाँ पर जो फाइनेंशियल पैकेज दिया था गवर्नमेंट ने उसकी वजह से इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई है इसके प्राइसेस में। तो हम देखते हैं एक बार जूम करके, यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वो है 44 रुपीज पर, और जो इसका 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 27.10 पर। इस वक्त ये इन दोनों के बीच में काम कर रहा है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि आप एक काफ़ी अच्छी इसमें बढ़त हुई थी पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन आज 5% के करीब ये नीचे आ रहा है। तो हम देखते हैं कि RSI क्या कहता है। हमारा RSI बता रहा है कि उसने 80 का जो पॉइंट है उसको छू करके वो वापस आ गया 68.84 पर। यानी कि यहाँ से अब पता चल रहा है कि ये शेयर कमज़ोर होने वाला है और ये एक छोटा सा करेक्शन मांगेगा। तो आप इसको वेट करिएगा और वेट करिए, शायद ये 50 डेज का जो एवरेज है वहाँ पर आए। और जैसा मैंने आपको बताया था 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वो 27 पर है, हो सकता है ये 27 तक आए तो वहाँ पर इसको खरीदना ज़्यादा उचित रहेगा। और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक और दूसरा एनालिसिस, ये है स्टॉकिस्टिक मोमेंटम एनालिसिस। तो यहाँ पर अगर हम स्टॉकिस्टिक मोमेंटम एनालिसिस देखेंगे तो ये भी सजेस्ट कर रहा है कि ये नीचे की ओर जा रहा है, क्योंकि इसका जो पॉइंटर है वो नीचे की ओर हो चुका है और 86.48 पर है जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और इसका जब पॉइंटर 86.48 से नीचे की ओर जाने लगा है, इसका मतलब इसका मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा वीक हो रहा है। और इसमें शुरुआत में ये शो कर रहा था कि ये इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम है, तो अब जैसे ही इसका मोमेंटम लॉस्ट होगा तो ये शेयर काफ़ी तेज़ी से भी नीचे आ सकता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारा इसका 200 डेज मूविंग एवरेज है वो 44 रुपीज़ है, और 50 डेज मूविंग एवरेज है वो 27.09 है। अभी इन दोनों के बीच में है, आप वेट करिएगा, ये 50 डेज मूविंग एवरेज आना चाहिए और वहीं से ही आप इसमें बेस्ट पोजीशन ले सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा टेक्निकल एनालिसिस। अब हम आपको ये अर्निंग परफॉर्मेंस इस बैंक का बताते हैं Q4 FY20 का। तो इसके लिए हम अपने तीन पैरामीटर्स लेते हैं। बैंकिंग के केस में हम नेट इंटरेस्ट इनकम और नेट प्रॉफिट और नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये तीन पैरामीटर्स लेते हैं। हम इनका बारी बारी से डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहते हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने Q4 FY19 में 2627 की रेवेन्यू जनरेट की थी, यानी नेट इंटरेस्ट इनकम जनरेट की थी,
और Q4 FY20 में 2,929 की रेवेन्यू जनरेट की है। नेट इंटरेस्ट इनकम की मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें इन्होंने इंक्रीज किया है लगभग 11.5% से। और यहाँ पर जो इनकी रिपोर्ट्स है उससे ये पता चल रहा है कि इनका जो ग्लोबल नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 2.22% से कम हुई है और डोमेस्टिक नेट इंटरेस्ट मार्जिन लगभग 2.30 से कम हुई है। तो ये इनकी नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो दोनों इंडिया और बाहर दोनों पर इनकी कम हुई है। अब हम देखते हैं कि इनका जो कंसोलिडेटेड रेवेन्यू सेगमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके ट्रेजरी ऑपरेशंस लगभग 43.55% से बढ़े हैं। रिटेल इनकम इनकी लगभग 2.35% से इंक्रीज हुई है। कॉरपोरेट और होलसेल बैंकिंग में लगभग 14% का इजाफा हुआ है और अदर बैंकिंग ऑपरेशंस में इनके 12.83% की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बढ़ोतरी हुई है। बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। और जहाँ तक डिपॉजिट्स की बात है, इन्होंने 8.37% से डिपॉजिट ग्रो करे हैं और एडवांसेस इन्होंने 6.32% से ग्रो करे हैं। यानी कि डिपॉजिट्स इनके पास ज़्यादा आए हैं लेकिन एडवांसेस इन्होंने कम दिए हैं, तो इससे इनके जो नेक्स्ट क्वार्टर में प्रॉफिट पर थोड़ा सा फर्क पड़ेगा क्योंकि नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी थोड़ी सी कम होगी। ये मेरा एनालिसिस है। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट की जगह यहाँ पर नेट लॉस था लास्ट क्वार्टर में Q4 FY19 में 3,332 करोड़ का लॉस था, उसको इन्होंने कम करके 2,713 करोड़ कर लिया है और ये एक लगभग 600 करोड़ की इन्होंने अपने लॉस को कम किया है। तो एक प्रकार से ये ठीक है। और जहाँ तक इनका मार्जिन की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया था 2.22% इनके ग्लोबल मार्जिन कम हुए हैं, 2.27 इनके डोमेस्टिक मार्जिन कम हुए हैं, जिसकी वजह से इनके नेट प्रॉफिट पर फर्क पड़ा है। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पैरामीटर जो कि है नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, क्योंकि ये बैंक में बहुत ही जरूरी होता है। इस फ्रंट पे इसने क्या किया है, Q4 FY19 में ये 6.99% था जो कि घटकर के अब 5.49% हो गया है और इसमें 150 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी हुई है। ये बहुत ही अच्छी चीज है और ये एक प्लस पॉइंट है इस बैंक के रिजल्ट्स का। जहां तक ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात है, ये 14.15% हो गया है जबकि लास्ट ईयर ये 14.86% था Q3 FY20 में, पिछले ही क्वार्टर में। तो इसमें हालांकि बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट तो हुआ है। और बैंक ने जो नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट अपने बताए हैं, जैसा मैंने आपको बताया 150 पॉइंट से इन्होंने सीक्वेंशियल बेसिस पर कम किए हैं। इनका जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो 12.81 है और CET1 रेशियो 9.40 है। इनकी एसेट क्वालिटी की बात करते हैं, प्रोविजंस की हम यदि बात करें तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज है वो 3,612 करोड़ इन्होंने लगाई है इस बार, जबकि लास्ट ईयर इन्होंने 5,783 करोड़ इन्होंने लगाई थी प्रोविजन और कंटिजेंसी। इसका मतलब यह है कि ये लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारे जो प्रोविजंस या जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स न्यू हो सकते हैं उसमें पिछले साल जो उम्मीद थी इनको 5,783 करोड़ की, उससे कम करके इन्होंने 3,612 किए हैं, यानी कि इनकी एसेट क्वालिटी थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। और जहां तक इनका जो प्रोविजन कवरेज रेशियो है वो इम्प्रूव हुआ है, 73.64 हो गया है और लास्ट टाइम जबकि ये 66.24% था। तो ये रही इनकी एसेट क्वालिटी की बात। तो दोस्तों ये रहा इसका अर्निंग परफॉर्मेंस या क्वार्टरली रिजल्ट्स का एक एनालिसिस। हम इसका जरा एक क्विक समराइज कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या इसमें मार्केट के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप रिजल्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर यदि हम देखें नेट इंटरेस्ट इनकम जो कि 11% से ज़्यादा बड़ी है, यहाँ पर ये इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। यदि प्रॉफिट की बात करें तो इसमें थोड़ा सा ये मिस हुए हैं, हालांकि इन्होंने अपने नेट लॉस को कम किया है। और यदि
नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट की बात करें तो इन्होंने 6.99% से 150 BPS कम करके 5.49 किया है, तो ये इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन्होंने दो जो पैरामीटर्स हैं उन पर इन्होंने मार्केट एक्सपेक्टेशन को बीट किया है। अब हम डालते हैं एक नज़र एक हफ्ते के ट्रेडिंग विंडो पर। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं 23 जून को इसका रिजल्ट आना था और उस दिन इसमें एक जबरदस्त ट्रेडिंग हुई है, 2.49 करोड़ शेयर से भी ज़्यादा की ट्रेडिंग हुई है और इसने हाई भी बनाया है पिछले 6-7 दिन का जो कि 36.55 रुपीज रहा है। तो ये थी इसकी एक ट्रेडिंग का अनुमान एक हफ्ते का। आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें ट्रेडिंग पिछले 3-4 दिनों से हो रही है और 2.5 करोड़ के करीब ट्रेडिंग हुई थी ट्यूजडे को जिस दिन इसका रिजल्ट आना था। एक नज़र डालते हैं अब हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स 86.75, जैसा कि आपको मालूम है ये गवर्नमेंट बैंक है और ये PSU है। यहाँ तक FII की बात करें वो केवल 1.29% ही इसमें एक्सपोजर रख रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें FII का विश्वास नहीं है इस बैंक में। जहाँ तक DII की बात करें या म्यूचुअल फंड की बात करें वो भी अपना बहुत कम एक्सपोजर है, लगभग 7% ही है। तो आप कह सकते हैं कि इसमें FII और DII का एक्सपोजर बहुत ही कम है और जो फ्री फ्लोट शेयर्स हैं वो लगभग 5% है। तो ये थे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात। एक नज़र हम डाल लेते हैं इसके पीयर्स पर यानी कि इसके कॉम्पिटिटर्स पर। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इसका ROCE है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो अच्छा है, 4.12 आया है और क्योंकि इसमें अभी इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है और इनका जो मार्केट कैप है वो बैंक ऑफ बड़ौदा और बैंक ऑफ बड़ौदा के बराबर है, हालांकि पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से कम है। तो आप कह सकते हैं कि ये देश का चौथे नंबर का बड़ा बैंक है एज पर मार्केट कैप के हिसाब से यदि आप देखें। और अभी PE रेशो का फिगर अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि अभी ये रिजल्ट आया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगे, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए और यदि आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।